अरे लाइट नहीं है, घूम क्या करेगी? श्रीनिवास घूम निकल, सर का मीटर दीदी साथ में श्रीनिवास घूम दे तो में बता पा दीदी, पहले लाइट सेट होने दे। ये मेरे को दे दो। नहीं Is anybody going to ask questions? Okay, go ahead. Well, I was there since the inception. Fortunately, Shashi Ranjan happens to be my batchmate from FTIIs. So we were keeping a tab on each other's progress, and he has really progressed, and I'll tell you, it has reached a stage today where it's giving run for its money to all big shows which used to be. I mean, I will not name them, but it is at par. And I mean, he had this tunnel vision of concentrating on television, which he had predicted, he and Anu Ranjan had predicted would be a big time success very soon. Not at the time when they predicted it, but they had predicted the future, and which is what is paying off now. And it's such a big boon and such a big push to all the guys, you know, who are now into television industries, and I'm sure it's soon going to eclipse even the OTT, what is called, the OTT format and everything as well. And I wish them all the very best, and I'm proud to be indirectly a part of his whole endeavor. I have received quite a few awards as well from him. Whether I deserved it or otherwise is a different story. But all the very best to him and Anu, dear Anu, darling Anu. I wish them all the very best, and they'll go on and on and on for a long, long time. Thank you very much. Thank you so much. देखिए, जब ये शुरू हुआ था ना, जब ये पहला था, जब पहला शुरू हुआ था तब भी मैं था, और आज 22 साल में 22वें में भी मैं हूँ. और ये अवार्ड जो था मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं लापतागन सीरियल किया करता था 2010 में, मुझे पहली बार बेस्ट एक्टर कॉमेडी मिला था. तो मेरा जो है लाइफ चेंज हो गई थी उसके बाद से. तो मेरे लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, और ITA मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. ITA के साथ मेमोरी ये जुड़ी है कि मेरी छोटी बच्ची हुई थी उस समय जब लापतागन सीरियल कर रहा था, और उसके पैदा होने के बाद अनु मैडम का मुझे फ़ोन आया, रोहिताश इस बार का कॉमिक एक्टर का अवार्ड तुम्हारा है. और मैं जैसे ही अनाउंस हुआ था, मैं उसी को गोद में उठाकर और स्टेज पे पागलों की तरह चढ़ गया था. वो वीडियो मैंने इंस्टा पे शेयर की थी, जो बहुत लोगों ने बहुत लाइक की.
तो वो एनर्जी जो थी ना, वो मैं अब देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि ये उस अवार्ड का नतीजा था जो 2010 में आईटा का मुझे पहली बार मिला था। थैंक यू, शुक्रिया। First of all, like so this is very first time I'm going to be a participant of IITA, and mera nomination hua is for negative category, and it's really big thing for me to be a part of this event, and let's hope for the result. Thank you so much. Welcome. अरे एक मिनट ब्रो, कौन सा माइक है? बस ऑल द माइक्स। ऑल द माइक्स ऑन। हां बोलिए। 22 इयर्स हो चुके हैं आईटा के, दैट्स अ ग्लोरियस लर्निंग व्हाट यू हैव टू से। आई कांट हियर यू। 22 इयर्स हो चुके हैं आईटा के इंडियन टेलीविजन। बहुत-बहुत मुबारकबाद। 22 साल हो गए, मैं तो पहले साल से जुड़ा हुआ हूँ इस अवार्ड से शशि और अनु के साथ। अब 22 साल और जाने हैं आगे, तो आई विश अनु एंड शशि ऑल द बेस्ट फॉर द वंडरफुल अचीवमेंट। और जाएंगे आगे। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद देम सिंस द फर्स्ट शो। I wish them all the best. क्या कहना चाहेंगे आईटा के 22 इयर्स हो चुके हैं? इट्स अ लॉन्ग रन, टू डेज। वेल आप
मुझे वो पहला भी याद है जो इसका एडिशन था, पहला एडिशन वो भी याद है, और आज 22 साल हो गए, देखते देखते पता भी नहीं चला. आई टी हैज़ ग्रोन बाई लीप्स एंड बाउंड्स एंड इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर अवार्ड्स इन द कंट्री फॉर टेलीविजन. एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर माई फ्रेंड शशि रंजन एंड हिज कंपनी दैट दे हैव डन रियली वेल टू कीप इट अलाइव, कीप इट फ्लोटिंग एंड कीप इट यू नो एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड आई मस्ट से इन इंडिया. हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं. एक वेब सीरीज़ है सुरंग, फिर एक फिल्म है अगले महीने जो आ रही है, उसका नाम है ज़रा हट के ज़रा बच के, विक्की कौशल और सारा अली खान के साथ. फिर एक फिल्म है छतरी वाली, फिर एक वेब सीरीज़ एक और है शो स्टॉपर. तो बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है. एक और वेब सीरीज़ है चमक. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द पाइपलाइन. कुछ तो बिल्कुल रिलीज़ में है, कुछ शुरू हो रही हैं. एक फिल्म कल ही शुरू हुई है नई. तो ऑल द बेस्ट. नवेश सर सेंटर लुक. नवेश सर सर एक मिनट. अभी नहीं, अभी नहीं. डाल सकते हैं. डाल सकते हैं.
ये होते हैं कि कम ऑन लेट्स ऑल गेट टुगेदर एंड यू आर राइट 22nd आईटी अवार्ड्स आर कमिंग अप ऑन द 11th of December. It was from Renaissance. It started, but yes, now we are in Renaissance. And I'm very, very thankful to my friend Rafiq Balwa. They have been my friends for a very, very long time. And they made a very beautiful place. And it was a perfect marriage that they become our hospital department. So I hope you all enjoy the sumptuous food and the hospitality of others. Rafiq, for the first time, IT is collaborating with IT. So how is your experience with IT? It is an honor and privilege for us to be associated with IT. And our relationship with all the relationship is a long way. And Doma is a Pan-Asian experience which we've launched a couple of months ago. And it is one of the best restaurants designed food-wise in the Western sector. Sir, a few months back we have launched Doma. Many celebrities came. Today also there are many celebrities. So how is your feelings? It is good to have all these people here to come and experience our hospitality. And as we have been doing this for many years, it's the honor and privilege to be here. Anu, my word about you. I saw your story that you are also a very famous fan. I love the food here. So I'm constantly coming here, but yes, it feels very nice. Plus I tell you one thing, is very conveniently located, your window. The entire TV industry lives right here and they work in the city. So it's a perfect location for just about everybody to come and visit their neighbor, they're hungry. So thank you. सेंटर एक ही सर है दस सर नहीं है।
अलका जी इधर आइए ना। अलका मैम अलका मैम इधर यहाँ पे आए थैंक यू मैम होना जी पहले भेजो थैंक यू थोड़ा सा पीछे बस सर फिर दबा दिया अच्छा तूने कट नहीं किया था क्या और पीछे कर रहे हैं इधर देख लो लाइट एकदम पीला पीला हाँ यार लाइट गंदा है मार्क फोन पे इधर आइए मोना जी कम इधर आप ग्रो कर रहे हो आपको क्या और करना है कितना अच्छा करना है सो आईडिया हैज बीन सो गुड ऑलवेज एंड आई एम लकी टू बी हियर प्रिपरेशंस तो अभी स्टार्ट करेंगे बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ और कॉस्ट्यूम से लेके कोरियोग्राफी एंड एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट दिस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कर रही हूँ मैं तो बिग फैन हूँ तो मैं डेफिनेटली मैं करती हूँ फॉलो आपका फेवरेट कौन है ये बताइए है ना अभी तक कोई फेवरेट नहीं हो पाए हैं सो लेट्स सी अभी मतलब एवरीडे इतना चेंज हो रहा है ना एवरीडे कुछ ना कुछ हो रहा है तो अभी तक किसी का गेम ही समझ में नहीं आ रहा है कभी हाँ कभी ना ऐसा ही चल रहा है फिजिकल वायलेंस कमी है थैंक यू सो मच आईटा इज कोलैबोरेटिंग विद गोमा व्हिच इज अ पैन एशियन कुजीन आप कितना पसंद करती है पैन एशियन कुजीन मैं तो यही कहूँगी कि मुझे लगता है सब कुछ मेरा फर्स्ट टाइम है मैं गोमा में भी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ आईटीएम में फर्स्ट टाइम आ रही हूँ फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही हूँ तो फर्स्ट टाइम ऑलवेज बहुत स्पेशल होता है और पैन एशियन फूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि मैं गोमा आऊँ और आके मैं सारा कुछ टेस्ट करूँ बिकॉज आई लव टू ट्राई न्यू डिशेस थैंक यू I
आज आप यहाँ पर आए हो ITA 22nd पे और आज यहाँ पे बड़ी पार्टी है, व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? देखिए अनुरंजन शशि रंजन आइकॉनिक है टेलीविजन की दुनिया में, इनफैक्ट कहा जाता है जैसे कहते हैं ना OG दी ओरिजिनल्स इन टेलीविजन अवार्ड शोज, सारे टीवी के टॉप मोस्ट स्टार्स आते हैं, बॉलीवुड के स्टार्स आते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, उन्होंने इतिहास बनाया है विद ITA, 22 इयर्स हो चुके हैं, वो खुद अनु और शशि 18 साल के दिखते हैं पर 22 इयर्स हो चुके हैं ITA अवार्ड्स के, दे'ल बी द बिगेस्ट ऑफ स्टार्स परफॉर्मिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारा रिस्पेक्ट है फॉर द ITA अवार्ड्स, लोगों को लगता है कि ये अवार्ड जीता तो उसमें मजा है, इतने सारे अवार्ड शोज होते हैं पर जैसे मैंने कहा दिस इज द रियल वन, और आज ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी पार्टी है, खाना वाना सबको मिलेगा, बहुत सारे लोग खाना जेब में लेके जाएंगे क्योंकि इतना अच्छा रेस्टोरेंट है। हाँ तो जी हाँ, खाने के बहुत शौकीन होते हैं टीवी स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, हम सब होते हैं, तो खाना बहुत अच्छा है, मैंने सुना है कि अनु और शशि रंजन ने खुद अपने हाथों से यहाँ पे खाना बनाया हुआ है हम सबके लिए, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू 22 इयर्स ऑफ ITA। थैंक यू सो मच। थैंक अरे ये वायर किसका निकल ले, अच्छा वायर निकालने बड़ा लगा मेरा भाई। कंग्रेचुलेशंस ITA ने 22 साल कंप्लीट करे हैं, तो बहुत खुशी की बात है एंड आई एम हैप्पी कि मैं इस खुशी का हिस्सा बन सकता हूँ और बना हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। मैं कहाँ नज़र आऊँगा, मैं बहुत जल्द नज़र आऊँगा एक म्यूज़िक वीडियो के साथ जो कि मैंने रिसेंटली शूट किया है, वो आई थिंक दिसंबर एंड में रिलीज़ होगा, सो उसमें नज़र आऊँगा। यार अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली, मैं जैसे हर बार बोलता हूँ बट बहुत जल्द मैं नज़र आऊँगा। बिग बॉस आई एम सॉरी बट मैं इस सीज़न में एक एपिसोड भी नहीं देखा है क्योंकि मैं यहाँ वहाँ में बिजी था, सो इसीलिए। शालीन नो आई नो हिम, मैंने उनके साथ डांस क्लास करी इनिशियली जब मैं बॉम्बे आया था तब मैं डांस क्लास जाता था जहाँ वो भी आते थे। मुझे नहीं पता था, थैंक यू सो मच आपने बता दिया, लव एंगल भी चल रहे हैं, अच्छी बात है यार, प्यार बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर उनको हो गया है तो। रणदीप सर फर्स्ट टाइम ITA इज कोलैबोरेटिंग विद गोमा व्हिच इज अ पैन एशियन कुजीन, तो आप कितने बड़े फैन हो सर पैन एशियन कुजीन? एक्चुअली मैं बिल्कुल भी फूडी नहीं हूँ, मैं बहुत बार ये बोल चुका हूँ कि मैं खाना सिर्फ जीने के लिए खाता हूँ, बट आई होप कि जितना भी अंदर बना होगा खाना बहुत अच्छा होगा, बहुत टेस्टी होगा, सो या थैंक यू। Yes. I think it has revolutionized the Indian television industry because what Shashi and Anu created 22 years ago today has become one of the most prestigious platform, and it is like
for any actor to be awarded from television, for any actor to be awarded an ITA you know, award for their performance or technicians or whoever, it is like winning an Oscar for television, you know. So it has been a great journey, and I think they've created something that has completely changed the face of Indian television. Thank you so much. Thank you. Any upcoming switch in show, kya aane wala hai naya upcoming? ये जिस दिन राइटर को पता चलेगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा. अभी राइटर को भी पता नहीं है कि ट्विस्ट क्या आने वाला. सुधांशु सर, वन लास्ट क्वेश्चन. फर्स्ट टाइम आईटी इज कोलैबोरेटिंग विद स्पैनिश एंड कुजीन गोमा रेस्टोरेंट. हाउ मच बिग फैन ऑफ यू आर स्पैनिश एंड कुजीन? देखिए, मैं वैसे पर्सनली तो दाल रोटी वाला आदमी हूँ, तो आज डेफिनेटली आई विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट द स्पैनिशन कुजीन इज गोना बी इनसाइड. सो वंस आई एम देयर आई होप आई एंजॉय इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कैसे आप लोग? ओ, इट्स ऑलवेज लवली टू बी एट आईटा. आई स्टार्टेड ऑफ माय जर्नी फ्रॉम टीवी, एंड आईटा हैज बीन, यू नो, द बैकबोन ऑफ टीवी. आई फील बिकॉज ऑल द अवार्ड गिविंग एंड हु इज डूइंग व्हाट एंड हाउ व्हाट शो इज विनिंग. And all these have been a part of it. So feels nice. And all the best to Anu Ranjan. She always does this amazing, you know, award function. And I think this was the first time they have, you know, collaborated with the restaurant and Goma. And, you know, this is a party sort of a thing which we see. So I'm going to enjoy inside. लॉट ऑफ लव. थैंक यू सो मच. आई थिंक आप लोगों ने देख लिया है, दैट इज़ वाई इज लॉट ऑफ लव कमिंग फ्रॉम यू गाइज ऑल्सो. आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ तू जख्म है, एंड इट्स डूइंग अमेजिंग. पीपल आर लविंग, पीपल आर बिंज वॉचिंग इट. मतलब लोग मुझे ये नहीं पूछ रहे हाई हेलो कैसे हो, मुझसे ये पूछ रहे कि ये सेकेंड सीजन कब आ रहा है. सो दिस इज़ द क्रेज विच आपको भी जानना है. अभी तो वक्त है, और मतलब और देख लो, और भी एपिसोड्स आने वाले हैं आफ्टर 11 एपिसोड्स. सो कीप वॉचिंग, कीप लविंग. थैंक यू. बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाती हूँ मैं कुछ फॉलो नहीं कर पाती हूँ बिग बॉस. इट्स अ साउथ फिल्म विच विल बी कमिंग. जब आएगा तब, जब बातें होंगी तब दैट विल बी अ राइट वे आई थिंक, जब प्रोड्यूसर्स रिलीज करेंगे. थैंक यू. Glorious years, what would you like to say?
IT is a very good award. Everyone knows that it's the main award of TV industry. And IT की एक बहुत अच्छी बात है कि ये सब channels के सब artists को सब serials को cover करते हैं. इन्होंने हमको भी अजब प्रेम की गजब कहानी में अवार्ड दिया था. तो ये लोग हमेशा हर साल एक अच्छी पिक्चर को भी फेलिसिटेट करते हैं. तो आई थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट अवार्ड वी हैव इन द फॉर टीवी इंडस्ट्री आल्सो. एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. थैंक यू. I think this is the best institution, and this is the best for the actors, because they are promoting actors and they are the well-wishers of actors. They have always acknowledged the performances and every time. And I have been a part of television, and I'm really happy it's going so strong. And all the best to the Shashi Ranjan ji and Anu Ranjan ji for such an event. बहुत ज़्यादा प्यार मिला. सुपर हिट हो गई फिल्म मेरी. इट वाज मोस्ट वॉच्ड ऑन OTT. अभी मेरा एक मेरा म्यूजिक वीडियो आ रहा है दूरिया करके, एंड इट विल बी रिलीज वेरी सून, एंड आई विल लेट यू नो व्हेनेवर इट्स रिलीज. बिग बॉस 16 नहीं फॉलो कर रहा हूँ बिल्कुल भी. आई डोंट नो देम, सॉरी, नॉट पर्सनली, अदरवाइज या. थैंक यू. I love North Indian, but I'm gonna try for sure. I hope they will serve. They are the best in the town. Let's see how it tastes. Thank you. मतलब अभी तो बहुत कड़क तैयारी हो रही है एक्चुअली, क्योंकि इस बार ही कुछ बड़ा करने का प्लान है हमारा. एंड एज यू सेड, आईटा मतलब इंडियन टेलीविज़न अवार्ड, मतलब हमारे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड नाइट है. तो उसको मद्देनज़र रखते हम सोच रहे कि कुछ बड़ा ही कर रहे. तो इस बार ही बहुत कुछ होने वाला है एंड अच्छा होने वाला है. I'm very nostalgic about this award function, ITA especially, because जब ये launch हुआ था आज से 22 साल पहले, तो I was in the first year of recipient of milestone award by ITA, and it was given to me by the then INB minister, late Mrs. Sushma Swaraj ji and Shatrughan Sinha ji. और आई परफॉर्म्ड ऑल्सो ऑन स्टेज. आई स्टिल रिमेंबर रेनेसेंस में हमारा लॉन्च हुआ था, एंड ऑल बिग 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 शॉट्स फॉर देयर. अभी भी आते हैं. अच्छा, हमारा ये जो जुड़ाव किया है ना शशि और अनु ने पूरी टीवी इंडस्ट्री का, आई थिंक इट्स अ फेस्टिवल. तो वो जो एक कंटिन्यूटी 22 साल से बना के रखी, मैं मेरे ख्याल है आई हैव परफॉर्म्ड फॉर द इनिशियल 2-3 ईयर्स ऑन स्टेज इन ITA फंक्शन. And I'm so happy
कि आई एम स्टिल पार्ट ऑफ इट एंड दे स्टिल इनवाइट मी एंड थिंक दैट आई एम वर्थ कमिंग फॉर द आईटीए फंक्शन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हेलो. वेल इट गेट्स बिगर एंड बेटर. आई थिंक दिस इज द ओनली गैदरिंग वेयर होल फ्रेटर्निटी कम्स टुगेदर एंड सेलिब्रेट टेलीविजन एंड आई फील प्राउड टू बी अटेंडिंग इट एवरी ईयर एंड आई फील ब्लेस्ड टू बी हियर. अवार्ड्स के लिए नहीं, आई डोंट थिंक सो कोई ऐसी चीज़ है जो प्रिपेयर करनी पड़ती है स्पेशली. इट्स जस्ट बीइंग यू, आप जैसे हो वैसे आप आओ जहाँ पर भी. आई थिंक दैट्स परफेक्ट. आई हैव नो ऑफिशियल कन्फर्मेशन फ्रॉम एनी वेयर फ्रॉम एनी वन, तो अभी मैं कॉमेंट करके इसका कोई मतलब ही नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, सो आई वोंट बी एबल टू कॉमेंट ऑन इट. ऑल्सो इतना प्यार जो दे रहे हैं फैंस, यू नो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ओवरवेलम्ड ग्रेटिट्यूड एंड यू नो इतने सारे पोस्ट में वो लोग टैग करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, स्पेशल VMs बनते हैं, खुद का इतना वक्त देते हैं हमें. आई थिंक ये सारी जो मेहनत है वो वहीं पर दिखती है एंड दैट्स समथिंग विच इज़ एन एक्चुअल अवार्ड. आई फील बिल्कुल नहीं, आई एम सो सॉरी बट शालीन आई नो, श्रीजिता थी बट आई थिंक शी इज़ एलिमिनेटेड. हाँ आई वेल बींग वेरी फ्रैंक, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ वर्क स्केड्यूल. जो भी थोड़ी बहुत क्लिप्स जो सोशल मीडिया पर आती है बस वही देखी है एंड आई डोंट थिंक आई एम यू नो. कौन सी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं वही नहीं पता है मुझे तो. आई यू नो बट इज़ अ जेंटलमैन, गुड लुकिंग बंदा है, अच्छी खासी फिजीक है, सो आई एम श्योर गर्ल्स वुड बी डाइंग आउट देयर. सॉरी, आई वुड विश फॉर इट, वाई नॉट, डेफिनेटली. लास्टली हर्ष सर, आईटीए इज कोलैबोरेटिंग विद गोमा व्हिच इज अ पैन एशियन कुजीन. यस, आई लव एशियन, आई एम फैन ऑफ एशियन कुजीन. So it'll be a great experience. I'm looking forward to going to Goma and have the best of delicacies. Yeah, we would love to host you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, guys. गांगी जी यहाँ पे, यहाँ पे लाइट नहीं आई है, थोड़ा और इधर आइए. आईटीए 22 इयर्स एज अ ग्लोरियस अचीवमेंट, लैंडमार्क नंबर,
First of all, congratulations to Anu ma'am, Shashi sir, for completing 22 years. It's huge, and ITA has always been a very special part. I would not say, but मेरी journey में एक special चीज़ रही है ITA, क्योंकि मेरा शायद second performance जो था on stage वो ITA का था. So ITA has always been very special for me, and आज जो पार्टी है, आई एम लुकिंग फॉर टू मीटिंग यू नो अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री पीपल एंड या आई एम हैप्पी टू बी हियर. साथी शिवांगी भी जानना चाहेंगे, झलक चल रहा है झलक में इस बार बहुत से कंटेस्टेंट से जो आपके भी फ्रेंड्स हैं, कितना फॉलो कर रही है झलक, कितना देख रही है, कितना सपोर्ट कर रही है. झलक खत्म नहीं हो गया? हो गया मैं. हाँ एग्जैक्टली. मुझे पता है कौन जीता है. गुंजन. हाँ गुंजन के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? गुंजन, आई थिंक गुंजन शी वन राइट? या एंड आई मीन कंग्रेचुलेशंस टू हर, शी इज़ अ फैबुलस डांसर. और मैंने उसके शायद कुछ और परफॉर्मेंसेस देखे हैं झलक से पहले वाले किसी शो के कुछ क्लिप्स देखे हैं. शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ आउटस्टैंडिंग. सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि काफ़ी बायस अब मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर मैं इतना बोलना चाहूँगी फैजू और रुबीना दोनों भी जीतना डिज़र्व करते थे जितना बच्ची डिज़र्व करती थी. तो आई थिंक किसी एक को विनर बनना था, तो इट्स हर एंड हैप्पी फॉर हर. कंग्रेचुलेशंस टू गुंजन. मैम नागी, वन लास्ट क्वेश्चन. आईटीए इज कोलैबोरेटिंग विद गोमा व्हिच इज अ पैन एशियन कुजीन. हाउ मच यू लव पैन एशियन कुजीन? आई लव इट. ऐसा नहीं है, मैं बहुत खाती हूँ. नो नो, आई एम अ फूडी. और यहाँ आने के बाद, अभी आई तो हूँ, मैं सबसे पहले खाना भी ट्राई करने वाली हूँ मैं गोमा रेस्टोरेंट का. सो नाइस यार, आई एम अ फूडी. Thank you. Thank you. All right, thank you. Anand ji, 22 years hai ITA ke, which is a landmark number. Bahut saal hote hain, 20 saal, kya kehna chahiye? Yeah, I congratulate ki itne saalon se lagatar ITA acha kaam kar raha hai, acche awards functions ho rahe hain, and television industry ko isse bahut fayda hua hai. So I wish all the best, aur aise बहुत सारे साल आगे ITA काम करता रहे, यही शुभकामनाएं. थैंक यू, थैंक यू सर. थैंक यू, थैंक यू. अरुण जी साइड सर, वेट सर, सर वेट. अरुण जी बोलिए सर, वेट सर. अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी एक मिनट सेंटर लो. आइए ना. या अनु जी, 22 ITA के ग्लोरियस साल कंप्लीट हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? 22 इयर्स, आई वुड से 22 ग्लोरियस इयर्स ऑफ ITA अवार्ड्स. नंबर वन फॉर द फैक्ट दैट इट्स अ मेजर लैंडमार्क. टेलीविजन अवार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर मेनी ग्रेट टैलेंट, ह्यूज टैलेंट पीपल प्रूविंग द वर्थ ऑफ टेलीविजन. And then to be recognized. And this ITA Awards was the first of its kind. When it came in, not many knew what television awards were. Suddenly ITA Awards changed the game. And people yearned to be recognized by the ITA Awards. And today, I am privileged, I am honored that I am here at the 22nd year of the ITA Awards. Also because of my friend Shashi Ranjan and Anu Ranjan, who are trendsetters in a way by creating this brand called ITA Awards. I wish them all the best. So what you would like to say for DID later? It's going on every now and then. You can see a new episode of the new format. Yeah, it is. I would say as far as Saregama Pa Little Champs is concerned, you know, I'm one of the judges right now. And the TRPs of that show is huge. So obviously I have a feeling that ITA Awards is suddenly going to recognize this great talent, because not only the judges but for the great talent that Z has come up with. Saregama Pa Little Champs has tremendous talent, tremendous singers. You know, all the singers have become now household names. One is Nyaneshwari, you know about her. You know about Aruhi, you know about Atharva,
you know about Rafa Yasmin, you know about this little boy, Sikandar, Harsh Sikandar, and there are so many. So I'm so excited to be here, and this moment belongs to ITA Awards, this moment belongs to Shashi and Anuranjan, and I wish them all the best. Thank you. उसने बहुत बहुत मैं अनु सब बोल चुके हैं, मैं शशि को और अनु को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो 22 साल पहले उन्होंने एक बच्चा जो कंसीव किया था, आज वो 22 साल का जवान हो गया है। आईटा अवार्ड उनकी देन है, इंडस्ट्री को बहुत बड़ी, और टीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। हेलो जी, 22, वाह वाह वाह, मुझसे एक साल ज़्यादा। हाँ जी, पिछले साल मैंने रेड कार्पेट किया था, इस साल भी मैं कर रहा हूँ, तो हम लोग ऑलमोस्ट जुड़वा हैं। मुझे भी 22 साल हो गए एक्टिंग करते हुए बचपन से, तो अच्छा लग रहा है। पिछली बार बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, इस बार सुनने में आया है कि बड़े लेवल पे हो रहा है, और उसकी शुरुआत यहीं से हो गई ना, कि पहले ही नहीं होता है कि प्री बुकिंग वाला है सेलिब्रेशन, तो ये पहले प्रीपेड वाला सेलिब्रेशन है, ये पहले ही चालू हो गया, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। कुछ बड़े होने की शुरुआत यही है कि माहौल पहले से बनने लगता है। मेरी बहुत अच्छी है, पिछली बार तो बहुत मज़ा आया था, कितने सारे वीडियोस वायरल हैं, बड़े मज़े लिए थे लोगों के साथ, बहुत सारी को आर्टिस्ट मिलती हैं हमारी, उनके साथ मस्ती करने का मौका मिलता है, और छूट होती है जो मर्ज़ी बोल लो, तो मैं सबके दिल की अरमान बोलता हूँ उधर जाके। फिल्में चल रही हैं, जनहित में लोगों ने पसंद किया, काफ़ी अच्छा लगा, उसके बाद गेस्ट तो बनता है, दोनों चीज़ें पसंद आई, तो अभी और भी है, उसका भी अगला सीज़न आने की बात चल रही है, तो होपफुली वो आए, और बाकी फिल्में चल रही हैं, मैं बताता जाऊँगा। नहीं, मैं फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ, पर अच्छा चल रहा है, सुनने में आया है, फॉलो नहीं कर रहा। मैं नहीं बोलेगा, मैंने बहुत पहले बोला था कि शादी और बिग बॉस तब करना चाहिए जब लगे कि आगे कुछ और नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ शादी के अगले दिन बिग बॉस चला जाऊंगा। तो प्लीज कंटिन्यू, अयूब सर आ गए हैं, सर प्लीज, गुड सर, गुड सर। तो मिलते हैं फिर रेड कार्पेट पे, वहीं मचाएंगे, है ना। बाकी तो कुछ लोग वेट कर रहे हैं मुंह खोल के। बाईस साल के हो गए, पास द टीनेज ईयर्स, व्हाट फन, व्हाट अमेजिंग फन, व्हाट अ लवली जर्नी, एब्सोल्युटली सच अ लवली टाइम टू बी इन, 22 ईयर्स, कंग्रेचुलेशंस टू द होल टीम ऑफ आईटा, टू अनु एंड टू द होल टीम, एंड वेल इट्स सेलिब्रेशन टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव सेलिब्रेटेड समथिंग, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेलिब्रेशन। Thank you so much. रोशनी जी राइट में है, राइट में है। अच्छा, ये बाइक से नहीं, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। 22 इयर्स है आजा के,
I just have to say it's a very proud moment and I couldn't be happier. और हर साल इतनी जल्दी बीत जाता है यही नहीं पता चलता. एंड हम सब ने एक दूसरे को ग्रो होते हुए देखा है, बड़े होते हुए देखा है एंड सबकी विक्ट्री साथ में सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी फीलिंग होती है. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार कौन जीतेगा एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. थैंक यू. थोड़ा आगे यहाँ से अभी सामने का बोला भाई, इधर पे तीन नहीं गिना भाई, इधर देखो तो इतना ऊपर से आ जाएगा. आइए वाइट के लिए, वाइट के लिए आइए. कोई बात नहीं, कोई ऐसी पर्सनल बात नहीं कर रहा. बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि आईटा के 22 साल हो गए हैं और आईटा के साथ मैं बहुत ऐसा नहीं कहूँगा बहुत स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं खुद ही बहुत बाद में आया हूँ. सो तब से मैं इनके साथ एसोसिएटेड हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी कि सब इतना अच्छा कर रहे हो ये, और ये एवरीडे ग्रो करता है. सो आई एम रियली हैप्पी और आज मैं यहाँ पे आया हूँ. सो मेरा ढेर ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन टू आईटा. बहुत बहुत अच्छा जा रहा है मेरा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा शूट हो रहा है और आई एम श्योर जब वो पूरी बन जाएगी और जैसे ही आप लोग उसे देखेंगे हल्का सा एक जो आता है टीज़र जब आप लोग देखेंगे तो आई एम श्योर आप लोग को बहुत पसंद आएगा, बिकॉज सबकी बहुत मेहनत है एंड बस आप लोग की ब्लेसिंग्स चाहिए जब वो फिल्म रिलीज़ हो. तो नहीं अभी तो मैं ऐसे फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट कभी कभार देख लेता हूँ. कोई आइडिया नहीं है भाई मुझे अभी, सच में कोई आइडिया नहीं, बट अगर होती है तो अच्छी बात है. कोई कंटेस्टेंट जो आपका फेवरेट है इस बार बिग बॉस में? मुझे अब्दू बड़ा क्यूट लगता है और शिव ही इज़ आल्सो वेरी गुड. ऐसे मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं, डिफरेंट डिफरेंट वीक में डिफरेंट डिफरेंट लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने अपने तरीके से. मैं बहुत कम देखता हूँ बट जब भी देखता हूँ तो ऐसा मुझे लगता है कि हाँ ये अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है. बट या एवरीबॉडी इज डूइंग गुड. निमृत, आई सी जैसे कि मैंने अभी कहा मैं ऐसा बिग बॉस पूरा फॉलो नहीं करता, बट येस जब वो कैप्टन थी तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी कैप्टनशिप निभाई थी उस वक्त. स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा फॉलो किया था. सो या और अब्दू को भी मैंने स्टार्टिंग में देखा था, ही इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट, तो बड़ा क्यूट लगता है वो. सो या दैट्स इट. अरे बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है उसने अपना लव कन्फेस किया है. अगर प्यार हो दिल में तो हमेशा बयां कर देना चाहिए. थैंक यू. ट्रेडिशन और गोमा के हमेशा फेवरेट गेस्ट रहे हो. हाँ अरे उसके बारे में क्या कहोगे? दादा फैमिली को मिस करो? हाँ आज मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं है क्योंकि वो बाहर गई हुई है. सो आई एम मिसिंग माई फैमिली हियर, बट मैं आऊँगा गोमा अपनी फैमिली के साथ डिनर करने फॉर श्योर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. रियली अमेजिंग सीरियसली. हम तो मैं मुझे याद है मैं जब दिल्ली में थिएटर करता था तब से मैं आईटा देखता आ रहा हूँ बहुत शौक से और हमेशा सोचता था कि मैं इसमें जाऊँ और मुझे एक बार सौभाग्य भी मिला है पहले आने का और अब मैं फिर से अपनी बेस्ट विशेज देने आया हूँ. इट्स रियली अमेजिंग. 22 ईयर्स कहाँ गए पता नहीं चल रहा है और हर साल और ग्रैंड होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है. तो दिस इज़ रियली अमेजिंग. सो वुड यू लाइक टू शेयर एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, एनी सरप्राइज फॉर दी मासेस? एक्चुअली मैं अभी शूट कर रहा हूँ मेरी नेक्स्ट फिल्म कारगस 2 जो जिसमें सतीश कौशिक जी ने प्रोड्यूस किया, वो एक्ट भी कर रहे हैं और हमारे साथ अनुपम खेर हैं. कश्मीर फाइल्स के बाद वो मेरे कश्मीर फाइल्स में दादाजी बने थे, इसमें मेरे पिताजी का रोल प्ले कर रहे हैं. ये एक सोशल मुद्दे पर फिल्म है जो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गई और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लोगों को कि बहुत जल्द इसकी फर्स्ट लुक बाहर आएगी तो लोगों को होपफुली जैसे कश्मीर फाइल्स को प्यार मिला इसको भी मिलेगा. सो दैट्स दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ बिनाइफा कोहली, मैं भाभी जी घर पे है और हप्पू की उल्टन पलटन की प्रोड्यूसर हूँ. सो फ्रॉम एडिट टू वी वॉन्ट टू विश अनुरंजन जी और शशि रंजन जी को 22वें साल की आईटी अवार्ड्स की बहुत 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 शुभकामनाएं. इनका अवार्ड एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस रादर. और ये एक ही अवार्ड है जिसमें मेरे पति आते हैं, वो शाय है वैसे, वहीं खड़े हैं, आके बोलेंगे भी नहीं, बट वो एक ही अवार्ड है जिसमें वो जाते हैं और ये अवार्ड को हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं. मैम रिसेंटली हप्पू की उल्टन पलटन हैज आल्सो कंप्लीटेड 900 एपिसोड्स, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? सो हप्पू की उल्टन पलटन हैज कंप्लीटेड 900 एंड इन 2 मंथ्स भाभी जी विल कंप्लीट 2000. 8 साल ख़त्म हो जाएंगे उनके और हप्पू की उल्टन पलटन के भी 3 साल ख़त्म हो गए. एंड सब लोगों ने कोरोना में बहुत बहुत मेहनत की सबको हंसाने के लिए घर पे मेरी यूनिट तो 1 साल तक सेट पे ही रही थी. तो ये सब उनकी मेहनत का फल है एंड वी आर सो हैप्पी कि लोग उससे इतना खुश है. वी लव पैन एशियन क्यूजीन एंड आई बीन टू गोमा बिफोर एंड इट्स फैबुलस. सेलिब्रेशन 2000 एपिसोड्स की तो हमारा मज़ेदार प्रोग्राम है, तो सेलिब्रेशन भी बहुत मज़ेदार होगी और एपिसोड भी बहुत मज़ेदार होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, खास करके जो हमें इतना सराहते हैं और हमको इतना हौसला अफजाई हमारी करते हैं. थैंक यू सो मच और आप सबको भी थैंक यू सो मच. आपने मुझे मालूम है कोरोना में कैसे कैसे स्ट्रगल किया है. थैंक यू. तो इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई. 22वां साल है जैसे कि आप लोग जानते हैं और अनुरंजन और शशि रंजन जी को बहुत बहुत बधाई इस अवार्ड के लिए. 22वां वर्ष है और 11 दिसंबर को हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से. मैडम जी जी सवाल बताइए क्या है एग्जैक्टली मतलब एक लाइन में सवाल. बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया कोलैबोरेशन है और स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए टेलीविज़न एक बहुत अच्छा माध्यम है. इसके ज़रिए ही हमारा काम बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है क्योंकि आइडियली स्टैंड अप कॉमेडियंस ओरिजिनली तो इंटरनेट तक सीमित रहते हैं, पर बहुत थोड़े कॉमेडियन हैं जिनका काम टेलीविज़न के द्वारा भी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुँच पाता है. तो ये ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुँचने का एक माध्यम है और उस ज़्यादा बड़ी ऑडियंस के लिए जो बनाते हैं कार्यक्रम ये उनका सेलिब्रेशन है. तो उसमें मैं आया हूँ, आई एम रियली फीलिंग ऑनर्ड. थैंक यू सो मच. Hi, hello everyone. Hello. So these are the 22 glorious years of ITAL, successfully completed and still going strong, one of the biggest awards in the industry. What do you have to say? Always a pleasure to be associated with ITA. I believe I received a message couple of days back that I have been nominated, so it is fantastic to be here and I wish them all the best. It's one of the most reputed brand of Indian television awards, so and as I say, I'm very 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 honored to be a part of it and associated with it. So yeah. Any good memory that you have of, you know, looking back now with ITA
I remember when we were really young, we used to see the Aita ka jo gana hai, it used to come on television whenever Aita used to be aired on television, and I won the award in 2021. I think it was the 20th year, so it was also very special, so I was very happy to be a part of it, yeah. कुछ नहीं तारक मेहता के लिए क्या कहेंगे तारक चलो Well, I think I've been associated with these award functions since a very long time, since my journey started. I think it's been 10 years. I was first performed at IT only. So it's a very, very, big opportunity for me again, you know, to come to the stage again and getting being a part of the celebration. What would you like to add? I've come for the first time. So yeah, I'm really happy and I'll congratulate IT. So Nimrit, ke liye kya kehna chahenge is baar Big Boss 16 mein? सॉरी क्या कन्फेस कर रहे हैं कौन कन्फेस कर रहा है या आई हैव बीन फॉलोइंग बिकॉज देयर इज अ बिग हाइप अबाउट बिग बॉस सो आई हैव बीन फॉलोइंग बिग बॉस सिंस लाइक इट्स बीन लाइक 20 डेज सो निमृत इज डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब एंड Abdu obviously he's very cute, very fun loving and he's a charming soul. So I don't think so. I won't comment on what their love is brewing or not because what I have seen right now, so they are like healthy friends. Okay, ye jo ye inka bond hai wo Mahir bhi pasand kar rahe hai jo you know Nimrit ke boyfriend hai wo bhi kafi zyada pasand kar rahe hai ke bond ko. Iske bare mein aap kya kehna chahoge? But I think that you should ask Mahir. Mahir likes it, that's like good for him obviously. इसके अलावा कोई अदर लविंग आई लव अर्चना यू नो आई बीन फॉलोइंग नाउ एंड शी इज डूइंग अ लवली जॉब शी इज लाइक यू नो पेन इन एवरीवन्स नेक एंड यू नो दैट्स हाउ यू गेट टू बी वंस यू आर इन बिग बॉस नाउ यू डोंट नो द सिचुएशन इज सो हैवी एवरीवन सो हैवी यू नो नोबडी नोज लाइक हाउ दे विल रिएक्ट टू द सिचुएशन द एंगर द इमोशंस द हेट्रेड एवरीथिंग कम्स अप नेचुरली यू नो सो आई एम जस्ट लविंग हाउ शी इज टेकिंग क्लासेस ऑफ एवरीवन इन द हाउस I think I'm a little better version of Ankit, I would say. I am also an introvert, but obviously if I'll get an opportunity, I got an opportunity last year, but unfortunately I had to do Tere Bina Jiya Jana for CTV, so I could not do Big Boss. But what if, obviously I don't know what I'll do inside because it's a very different kind of an atmosphere, that house is very scary. So this year if you get a chance for wildcard entry, would you like to go? Why not? So whom do you think the winner of Big Boss 16? I think it's too soon to decide. It's just started. It's been like, I think, 50 days probably, 50 or 60 days. So it's too soon to decide because everyone's playing well. But, you know, as you said that there are going to be more wildcard entries. So you might not know, like, one of them become or one of the current present players who are there inside, they might
win up the game. But you don't know right now, you know, because everyone's playing equal. Who you see in top five? Who do I see in top five? I feel Archana, and then I think Abdu, obviously, and Shiv, Nimrit, and Priyanka. Any upcoming project of yours? Well, I've been approached by a lot of, you know, the web people. So I'm trying my luck over there in the web series. Let's see, like, if something grows up, I'll definitely let you know. All the best, sir. Thank you so much. Thank you. Lovely talking to you all. Hi, sir. Hi. पानी बॉटल इधर रख देती हूँ। मैम राइट में मैम राइट में नहीं देखा Well, I would like to say that we've been part of the growth of ITA. I think almost sare hi humne unke award shows attend kiye hain, and Anu and Shashi are old friends, so I'm very happy to be here. And I think unke 50th pe bhi hum yahan honge. Nahi, usse pehle to silver aayega, silver and then golden. We'll be around hopefully. So congratulations, aap logon ka innovative idea tha, and I think you are the best. All the best to you all. Thank you. Congratulations. Congratulations ही बोलना है. Yeah, of course, very big congratulations. और in fact हमारी जो association है with ITA अरसो पहले शुरुआत हुई थी when I did their first show on stage, and it was a hilarious performance. और अभी वो एक्चुअली वायरल हुआ है with you know with Sumit Raghavan and Dilip Joshi and all the big comedians of that time, and I was just seeing it all over again on social media, and I was like, my god, ITA was, and we really go back so many years. I 18 saal mein maine ek bhi award to jeeta nahi hai even in the reality shows, so mera award nights ke sath thoda 36 ka aankda hi hai, but yeah, I अभी इनके दामाद आदित्य सील के साथ मैंने एक मूवी की थी रॉकेट गैंग, सो इट्स जस्ट दैट इट्स नाउ बिकम अ फैमिली, दे ऑल वेरी स्वीट पीपल, सो आई हैव जस्ट इन सपोर्ट ऑफ यू नो शशि एंड अनुरंजन जी, एंड दे हैव बीन रियली स्वीट ओवर अ पीरियड. पहले उनका एक मैगजीन आता था, या सो तब वी यूज टू फीचर इन देम, एंड वी डिड नच बलिए एंड बिग बॉस एंड ऑल दी स्टफ, बट हाँ मैं स्टेज पे अवार्ड लेने कभी नहीं गया. नहीं, मैं भी अवार्ड लेने नहीं गई थी, आई वी डिड एन एंटायर परफॉर्मेंस, सो लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज. इनफैक्ट शशि जी बीच में उन्होंने एक सीरियल भी प्रोड्यूस की थी, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट, सो वे वेरी क्लोजली एसोसिएट विद देम. थैंक यू.
Because I see it, I see colors on Instagram. So, to be very honest, it's the biggest reality show of India. And once in a lifetime experience, har actor ko karna chahiye Big Boss mein jaake. At least hamare time pe scripted nahi tha. Hum insaan ko dekhne ke liye taras jaate the. Abhi to aaye din koi bhi enter ho jata hai. So it's not the novelty of seeing another human being. But I think मुझे लगता है बिग बॉस के contestants अभी बहुत ही शातिर हो गए, चालाक बॉस, बहुत चालाक हो गए, चालाक. और my favorite will always be Sajid Khan, because I love the kind of cinema he makes. Plus मैं फराह खान के साथ बहुत ही closely associated था, मैं उनको भी जानता हूँ. But yeah, he is playing it. जब तक उनकी उंगली ना करो, जितना मुझे मैंने देखा है on Instagram. To be very honest, हमने हमारा भी बिग बॉस नहीं देखा था, so I get very scared seeing myself on television. But हाँ, मेरे हिसाब से साजिद खान is playing very well, so I just hope he doesn't lose his cool, because उंगली करने वाले बहुत है और वो ही गेम है. How much can that, he tolerate? That is the game, yeah. Yeah, that's so Big Boss is. He only has to tolerate that. Also, you are a contestant who likes. Nobody. I don't know anybody. I don't watch it. I don't know anybody. मैं किसी को भी नहीं जानती, सिर्फ साजिद खान को जानती हूँ. I have no, I'm not saying it from a negative point of view. मुझे कोई negativity नहीं है, लेकिन fact is मैं किसी को नहीं जानती हूँ और मुझे उनके बारे में कुछ जानना ही नहीं है. उनकी निजी ज़िंदगी कैसी है, वो पर्सनली कैसे रिएक्ट करते हैं, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. हाँ, अगर ये लोग मैं पहले से जानती थी एंड देन दे वर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, आई वुड सी इट. बट आई वुड बी ब्रूटली ऑनेस्ट, मुझे इनमें 1% भी इंटरेस्ट नहीं है. आई डोंट नो व्हाई, दे माइट बी ग्रेट पीपल बट आई डोंट लाइक देम. शी इज़ देयर. Yeah. I know. I've heard about her. No, I don't know. Because मैं देखती नहीं हूँ. So she is an interesting character. I mean. हम दोनों के इस टेबल के नीचे चलो. मुझे आपको चांस मिलता है जाने का, तो क्या कुछ कमाल होगा? ओह, अगर चांस मिलता बख्तियार को जाने के लिए, तब तो मैं ज़रूर देखती, क्योंकि तब इंटरेस्टिंग होता. अगर यू नो लाइक अच्छे लोग आप ले, जो जिन्हें गेम के बारे में पता है, जो गेम खेलेंगे, सिर्फ अपनी होशियारी गिरी नहीं दिखाएंगे, देन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग. गेम हैपेंस यू नो व्हेन, जब एक का मुकाबला दूसरे के साथ होता है तो और तीन जुड़ जाते हैं. या दैट इज नॉट द गेम. द गेम इज इधर 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 चारों को भिड़ा दो, फिर दैट्स द प्लॉट. या इफ ही वेंट इन आई वुड वॉच इट, एंड इफ आई वेंट इन आई एम श्योर ही वुड वॉच इट एवरी डे. ओ माय गॉड, वापस तनाज ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया. या बट वी आर रूटिंग फॉर साजिद फॉर श्योर. Lastly, ma'am and sir, IT is collaborating with Goma, which is a Pan-Asian cuisine, and you are our guest. So, how much you are going to enjoy this place? We love Pan-Asian. Yeah. We love the food. But this is the first time we'll be coming here. We've never come here to this place. I think we both are quite excited to visit Goma, and we will enjoy the food because we love Pan-Asian food. And we're gonna taste everything. उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसा था. Thank you so much. So it's again, as I always say, I hardly go out, so this is a great
place to again meet all my colleagues, meet all of you. And it's a good thing that all the actors are meeting up before we actually receive the awards and whatever, nominations and all. And I'm glad they're throwing this party for us to all meet up, gel, talk, discuss things. Yeah, also this time AITA has collaborated with Goma Place, so what do you think? Oh, it's a lovely place. You have great food. I've been coming here very often. So I'm glad that they've collaborated over here, and it's an amazing hotel. You get very good restaurants here, so it's good. Show ko bahut zyada pyar mil raha hai. Kya kuch kehna chahoge, like kitne comments aap follow karte ho aur kitne rewards karte ho? 100 episodes bhi khatam hone aaye hain. I'm feeling sad. 100 episodes khatam hona hai, lekin baatcheet bhi chal rahi hai, thodi extension ki hoga nahi hoga, all these things are going on. But very happy that people are loving the show, and there are a lot of people who are messaging me saying ki humne suna khatam ho raha hai, kyun main aur koi show nahi dekhungi agar aap nahi aaoge to, ye wo, you know, those kind of things. So I'm overwhelmed. I'm generally overwhelmed with all the comments. Well, Bigg Boss is baar kitna follow kar rahe ho? Bilkul nahi kar pa rahi hu. Bilkul bhi nahi kar pa rahi hu. Main khud ka show dekhne mein mujhe time nahi mil raha hai. So not at all. Any of the projects which are going to come? Yeah, there are couple in the pipeline. January mein, January onwards kuch hai. If Pishachani is extending, then I'll have to manage that. But let everything come on the dotted line, and then I'll announce. Thank you. Also, Naira, Nimrit Kaur is coming to Gora. So what do you want to say about that? I don't know her personally, but I wish all the luck to all the contestants. Okay, thank you. Alright, thank you. Yeah? Let me go, let me go. So and I थैंक यू सो मच. आप आईटा के बारे में क्या ही बोले, 22 साल, मतलब बेमिसाल 22 साल. तो आई एम ग्लैड कि मैं इसका हिस्सा हूँ, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेट शशि रंजन एंड अनुरंजन मैम को. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Best wishes to Anuji, Shashi ji, and ITA has been a part of our all our lives, and we respect them both, and their effort has actually last year jab ITA ka award lockdown ke baad bade, you know, saalon ke baad, 2 saalon ke baad hua, and the razzmatazz was back, and for that I thanked Anuji personally as well, and I wish them all the best. Ye 22 saal bar 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 aate hain ITA ki lifespan. Yes, there is something coming, but I'll have to wait for the platform to announce it first. साथ ही जानना चाहिए कि आप बिग बॉस 16 पर फॉलो कर रहे हैं। I'm really sorry, मैं फॉलो तो नहीं कर पा रहा हूँ। Any of the contestants? यार वो घर में जाना रहना बड़ा मुश्किल काम है. आई विश देम ऑल द बेस्ट. कैसे कर लेते हैं लोग मुझे समझ नहीं आता. टेक्स अ लॉट टू बी इन दैट एनवायरनमेंट. हम तो आसानी से, हमें तो क्या है, टेलीविजन चलाना है, देख लेना है, बट इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर टू स्टे इनसाइड द हाउस. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ देम. थैंक यू. Hi. You are the ITA 16th party. So what do you want to say about that?
I'm glad this is my first appearance at the ITA. I'm directly running from our set. We were shooting a very interesting sequence, so yeah. I'm glad to be here. शादी शो को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, हाल ही में नंबर वन पे भी था, क्या कुछ कहना चाहोगे लोगों का इतना प्यार है, इतने कमेंट्स? आई एम वेरी ग्लैड, बहुत खुशी मिलती है इतना प्यार इतने छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में, इतना अप्रिसिएशन और इतना रिकग्निशन मिला है शो को, हर किरदार को, मेरे किरदार को, तो डेफिनेटली मतलब बहुत ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग है एंड इट्स ग्रेट टू यू नो दीज स्मॉल लिटल थिंग्स आर अ सेंस ऑफ अचीवमेंट वेयर बींग हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल यू नो तो अच्छा लग रहा है डेफिनेटली. What are the reactions whenever fans meet you and they say that sahi aap wahi ho jise hum hamesha dekhte hain, what are the reactions? It is amazing actually, very overwhelming reactions sometimes. Abhi recently I was coming out of a parlor and you know one auntie was crying and she just hugged me and she came running and she like beta kabhi khud ko akela mat samajhna hum hai, like so sweet. Fir unki daughter aayi and she made her understand, you know, and she knew, she's like I know actor, I know, but beta tu akela mat samajhna khud ko, because I know, you know, mere parents bhi bahar rehte hain and I'm usually alone, so yeah. So that's really sweet, you know, a lot of people who are aware it's acting and it's everything, but phir bhi itna pyar dete, itna resonate karte, relate karte hai kirdaron se, because I think also because we are every day on the screen, you know. Yeah, yes. I think she's a very strong contender and I think the whole group, I like the whole group, and I started watching because of Sumbul and Nimrit. Because you know we've worked a little bit together, Sumbul ke saath Ravi Vavit Star Parivar I've done, and Nimrit has been part of the same production house Cockroach and Shaika that I'm working for. So I've met both the girls. Both the girls are very strong personally, and I wish them all the best. And they're playing a good game actually. Individual, two alag journeys dikh rahi hain dono ki, so it's nice. Well, Sumbul ke liye kya kehna chahoge? Jis tarike se Star Parivar mein Sumbul ka ek energy tha, aur ab Bigg Boss ke ghar mein kahin na kahin khoya hua pan lag raha hai. Saath hi unke dad bhi bol rahe hain ki please Sumbul ko vote na karo. I would really request, you know, sometimes क्या होता है parents resonate, parents restrict कर देते हैं बच्चों को, worry करते हैं, not because anything else, but worry करते, तो I'm sure उनके father worry कर रहे हैं too much for the kid. जैसे I understand, जब मैं पहली बार college के बाद मुंबई, schooling के बाद मुंबई आई थी college करने, तो मेरे parents भी worried थे and they used to call me every time. He poor guy, he can't call ना, वो बार बार तो फ़ोन नहीं कर सकते सुम्बुल को, एंड ही इज़ वॉचिंग हर डू वॉट ही माइट थिंक इज़ नॉट राइट, राइट. सो वो कर रहे हैं बट वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस निकल के आ रहे हैं, तो आई थिंक ही शुड टेक अ बैक सीट, लेट हर प्ले हर गेम, एंड शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वी हैव सीन इन रविवार विद शाह परिवार, यू नो, उनका एक खुद का एक तरीका है अपने फेलियर से भी डील करने का और अपनी विन्स को भी हाईलाइट करने का. सो आई थिंक इफ़ यू लेट हर बी, शील मेक फ्रेंड्स, शील प्ले हर गेम, बट लेट हर बी. वैसे क्या देखने मिलेगा, ये तो जानने के लिए देखते रहिए गुमे किसी के प्यार में. दैट आई कैन गिव अप, गिव ऑन, या थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सो मच, बाय बाय. Because there is a different love and compassion and dedication that they show towards me.